हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मिशन प्रॉपर्टी। अभी आज मैं फिर से आपको न्यू चंडीगढ़ में लेके आया हूँ ओमेक्स द रिजॉर्ट की साइट के ऊपर। ये ओमेक्स द रिजॉर्ट जो है ये न्यू चंडीगढ़ की अंदर ही बन रहा है, मल्टी स्टोरी है ये, जिसमें आपको 2 BHK एंड 3 BHK के फ्लैट्स मिल जाते हैं। बुकिंग अभी इसमें भी स्टार्ट है। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हम लोग मेन एंट्रेंस के ऊपर खड़े हैं। ये हमारा मेन एंट्रेंस पॉइंट है। बेसिकली ये ड्रॉपो पॉइंट आता है टावर के सामने, जो है ये ड्रॉपो पॉइंट है। उसके बाद मेन एंट्रेंस शुरू होती है डबल हाइटेड लॉबी के साथ। ओमेक्स द रिजॉर्ट इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी द रिजॉर्ट की फीलिंग आती है, जैसा कि आप अगर वीडियो में भी आप थोड़ा देखोगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग टावर के अंदर अभी एंटर हो चुके हैं, एंट्री करते ही जैसे कि आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, ये सिटिंग एरिया है और राइट हैंड साइड पे आपका आता है रिसेप्शन एरिया। और ये हमारे फ्लैट की स्टार्टिंग में फर्स्ट एंट्रेंस रहती है। ये हमारा मेन एंट्रेंस है फ्लैट का, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी अपनी एक लग्जरियस एंट्री के बाद अभी हमने अपने फ्लैट के और एंटर किया है। एंट्रेंस के बाद ही आप जैसे आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, ये फर्स्ट वॉशरूम आता है। ये आपका जो है कॉमन एरिया के लिए भी यही वॉशरूम यूज होने वाला है। इसमें जो चीजें लगी हुई एज इट इज ऐसे ही मिलेगी। और दोस्तों, ये फ्लैट के अंदर, इस फ्लैट के अंदर फर्नीचर भी लगा हुआ है, बट फर्नीचर आपको नहीं मिलने वाला। हमने फर्नीचर इसलिए लगाया हुआ है, आप उससे थोड़ा ज्यूम कर सकते हैं, आप अपनी अकोमोडेशन को कैसा बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहता है। फर्स्ट बेडरूम का भी साइज यहाँ पे काफी अच्छा दिया हुआ है कंपनी ने। इसके साथ बालकनी अटैच आती है जो डेडिकेटेड इसी के लिए अटैच है, और प्लस जो हमारा लिविंग एंड डाइनिंग है उसके लिए भी अटैच रहता है। ये हमारा बालकनी का एरिया आता है, काफी स्पेशियस बालकनी आती है जैसा कि आप देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं लिविंग एंड डाइनिंग की ओर। अभी आपको मैं लिविंग एंड डाइनिंग का एरिया दिखाने वाला हूँ। ये हमारा लिविंग एंड ये हमारा डाइनिंग एरिया आता है। और दोस्तों, इसमें जो किचन है वो ओपन रहने वाली है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये डाइनिंग एरिया आता है तो ये लिविंग एरिया आता है हमारा। और हमने इसमें जैसे जो डाइनिंग टेबल है ये 4 सीटर्स लगाया हुआ, आप 6 सीटर्स भी लगा सकते हैं इसमें। तो ये जो हमने फर्नीचर लगाया हुआ है ये डेकोरेट करके बताया हुआ है, आप अपना जो है घर है उसको कैसा डेकोरेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो किचन रहेगी, इसमें ओपन किचन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। किचन के साथ भी आपको किचन गार्डनिंग के लिए स्पेस मिल जाती है। अगेन आपको बालकनी मिलती है किचन के साथ अटैच। दोस्तों, ये आप देख रहे हो, इसको आप किचन गार्डनिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। इसको ये ओनली ग्राउंड फ्लोर में मिलता है आपको पर्टिकुलर, और इसमें आपका किचन गार्डन बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूँ सेकंड बेडरूम की ओर। सेकेंड बेडरूम के साथ आपको वॉशरूम अटैच मिलेगा, और एडिशनल इसमें आपको स्टोर की ऑप्शन भी मिल जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो राइट हैंड साइड पे आप एरिया देख रहे हो, ये स्टोर का एरिया है। अभी चलो, हमने इसमें थोड़ा सा फर्नीचर रखा हुआ है, बट आप इसको स्टोर बनाना है, आपने पूजा रूम बनाना है, आप वो बना सकते हैं इसको। और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप चलेंगे, ये हमारा सेकेंड बेडरूम आ जाता है। सेकेंड बेडरूम के साथ भी बालकनी अटैच रहती है, और
इसके साथ ही हमारा जो है वॉशरूम अटैच रहता है। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वॉशरूम भी अटैच है इसमें एंड बालकनी का एरिया भी जो है वो इसमें अटैच रहता है। दोस्तों इस साइड पे हमारा जो है ये वॉशरूम रहता है अटैच, जैसा कि आप देख रहे हैं काफी अच्छा बनाया हुआ है, स्पेस भी अच्छी है, वॉशरूम की कंजस्टेड नहीं है, काफी अच्छा है वॉशरूम जो बना हुआ है। और इसके बाद हमारा रहता है तीसरा बेडरूम जो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारा थर्ड बेडरूम है। थर्ड बेडरूम में हमें वार्डरोब मिल जाती है, इसमें एक रूम में आपको वार्डरोब मिलती है और इसमें भी जो वॉशरूम है वो अटैच रहेगा, ये वाला जो वॉशरूम है इसमें अटैच रहने वाला है साथ में। तो ये हमारा है थर्ड बेडरूम, इसको हम लोग मास्टर बेडरूम कहते हैं। दोस्तों इस मास्टर बेडरूम के अंदर आपको वार्डरोब मिल जाती है एज इट इज, जैसे ये आप लगी हुई देख रहे हो ये आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। और इसके साथ इस रूम के साथ पर्टिकुलर वॉशरूम अटैच रहेगा आप जैसे कि आप देख रहे हो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग मिशन प्रॉपर्टी। थैंक यू।